प्रधान प्रतिनिधि निसार अहमद हिंदू के पूरे रीति रिवाज के साथ आंगनबाड़ी केंद्र का किया शिलान्यास। उन्होंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज हमने आंगनबाड़ी केंद्र का पूजन और फीता काट कर शिलान्यास किया। विकासखंड लोटन बाजार के ग्राम पंचायतों में 31 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया गया। शुक्रवार को ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय करवाल कला में प्रधान प्रतिनिधि निसार अहमद ने पूजा कर आंगनबाड़ी भवन का शिलान्यास किया। इसी तरह पन्नी लकड़ा करवाल कला गुजरौलिया खकरा बनियाड़ी पोखर बिटवा मादैया खीरीडीहा भुसौला अदाई बेलौजी बुजुर्ग बिटपरा चनरैया भक्ता फुलवरिया लोहरौली केसारी धरनीहवा महुआ काशीराम मुरली पिकापार पटखौली पोखर बिटवा रशियावल कला सेनुआ सपही तरधौना चनरैया गदह महरवा गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि करवाल कला निसार अहमद। यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र का जो आज जो है भूमि पूजन था और फीता घाट के उसका उद्घाटन करना था, उसी के संबंध में यह कार्यक्रम किया गया, जो कि यहाँ पर बहुत आवश्यकता थी इस चीज़ की। और जहाँ तक आपने ये बात कहा कि मेरा धर्म अलग है और भूमि पूजन में कराया, उस संबंध से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की ये तहजीब रही है, गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के लोग रहते हैं। हर मुसलमान हिंदू के दुख सुख में या उनके जो है रीति रिवाज में और हिंदू मुसलमान के रीति रिवाज में सारे लोग मिलजुल के होली हो दीपावली हो ईद हो बकरीद हो सारे लोग मिल के मनाते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि मेरे नज़रिए से इसमें किसी चीज़ को भेदभाव नहीं करना चाहिए, और हिंदुस्तान का ही एक जो है रिवाज रहा है, तहजीब रही है, इसी में हमारा हिंदुस्तान मशहूर है इस चीज़ को लेकर के। इसको देख के, इस धर्म को देख करके जो पूजन का कार्यक्रम किया गया और बड़ा अच्छा लगा देख करके, और होना भी चाहिए, और हर आदमी को हर धर्म के बारे में सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि धर्म कोई बुरा नहीं है और हर चीज़ धर्म की अच्छाइयाँ हैं, और उसी में से एक अच्छाई आज जो आपके सामने जो आपने देखा, आप लोगों ने समझ लीजिए किया इस काम को। विद्यालय का नाम है ग्राम पंचायत का नाम करवाल कला और विद्यालय प्राथमिक विद्यालय करवाल कला, पंचायत के लोग यहाँ मौजूद हैं।